दोस्तों, आज के डायलॉग में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविरल वत्सा, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज स्कॉटलैंड यूके के फिजिशियन हैं, और यूके इस वक्त न्यू स्ट्रेन से काफ़ी बड़े तौर पे जूझ रहा है। दो दो वैक्सीन जो है वहाँ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल की गई है। किस तरह से उस देश में नए स्ट्रेन को डील कर रहे हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन को डील कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आज हम डॉक्टर वत्सा से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर वत्सा, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। डॉक्टर वत्सा, न्यू यूके स्ट्रेन की जो बात है वो भारत में और पूरी दुनिया में काफी चिंता की बात है। करीब करीब 40 देशों में डिटेक्ट किया जा चुका है, WHO का कहना है। भारत में भी करीब करीब 90 के ऊपर केसेस डिटेक्ट हो गए हैं। तो अगर हम यूके की बात करें तो वहां पर नए स्ट्रेन में कितने केसेस हो गए हैं, या प्रोपोर्शन ऑफ केसेस क्या है ओल्ड स्ट्रेन एंड न्यू स्ट्रेन का? ये जो नया स्ट्रेन है, ये जैसा हम सभी जानते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये बहुत बड़ा अंदेशा ही कहूँगा कि हमें अंदेशा है, क्योंकि अभी जो पुख्ता स्टडीज़ हैं वो भी आनी बाकी हैं कि इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लंदन का जो लास्ट डेटा मैंने देखा था, उसमें तकरीबन 50-60% जो केसेस थे वो नए स्ट्रेन के हो चुके थे। और जो पुराना स्ट्रेन है वो फैल रहा है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना ये नया वाला स्ट्रेन है। और इसी के चलते ये भी, जैसे कि अभी लॉकडाउन के चलते भी अभी केसेस जो हैं वो कम नहीं हो पा रहे हैं। और जो मॉडलिंग स्टडीज हैं उन्होंने भी दिखाया है कि 60-70% इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी सबका यही एक डर सा बना हुआ है कि क्या लॉकडाउन भी असरदार होगा जिस तरह से ये बढ़ रहा है। जो लंदन में या इंग्लैंड में जो नंबर ऑफ बेड्स थे, वो उसका डाटा ऐसा था कि 10 में से 3 से 6 बेड जो थे वो सिर्फ कोविड पेशेंट से ही भरे हुए हैं। तो मैंने रफली अराउंड 60% अगर बेड ऑक्यूपेंसी कोविड से पहले, और ये मैं डाटा अभी आपको 2-3 दिन पुराना बता रहा हूँ, तो अभी लास्ट 2-3 दिनों में शायद स्थिति और भी बदतर हो गई होगी। तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसका भी जो जो कंसर्न है वो तो अभी चल ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है, क्या उसके सिम्टम जो पुराने स्ट्रेन से उससे अलग है, उसका टेस्ट उससे अलग है, ये कैसे कर रहे हैं, और उसकी मेडिसिन भी क्या डिफरेंट है? जी नहीं, देखिए इन सब चीज़ों का तो उत्तर ये है कि नहीं, सेम है, सब कुछ सेम है, सिम्टम्स भी सिमिलर हैं, उसके जो प्रिकॉशंस भी बिल्कुल सेम है जैसा अभी तक कहा जा रहा है। एक साइड पे ये भी है कि लॉकडाउन इज नॉट वर्किंग, लेकिन अभी प्रिकॉशंस भी सेम है। कुछ ऐसा नहीं पाया गया कि अभी तक कि ये हवा में ज़्यादा रहता हो, या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डिफरेंट हो गया हो, या हमें कोई एडेड प्रिकॉशन लेने हो, ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दवाइयाँ जो हैं वो भी जो पहले भी हमारे पास लिमिटेड ही थी, पहले भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी भी वही दवाइयाँ हैं जो जो ट्राई की जा रही हैं। और जो पेशेंट्स की तबीयत खराब हो रही है वो भी सिमिलर तरीके से हो रही है। ऐसा नहीं है कि इनको उनमें ज़्यादा घातक हो या उनमें इवन हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो गई हो। एक एक पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की स्टडी ने बताया है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नए स्ट्रेन के चलते ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ, क्योंकि ये फैला ही इतना है तो उसके चलते जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बढ़ी है, लेकिन स्ट्रेन के कारण ऐसा नहीं है, और ना ही डेथ का जो रेट है वो बढ़ा है इसके चलते। तो वो सब चीज़ें तो सेम है, लेकिन इसका फैलाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। करीब करीब 60,000 केसेस हर दिन सुनने में आ रहे हैं यूके में, और यूके जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो गया था दिसंबर फर्स्ट वीक में, आई गेस। उस वक्त तो फाइजर वैक्सीन शुरू की गई थी, बाद में शायद ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन भी शुरू हो गई है। तो इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सरकार डिसाइड कर रही है कि हम किसको फाइजर की वैक्सीन देंगे और किसको ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देंगे। क्या इसमें कोई जी जी डिमार्केशन है, या दोनों वैक्सीन मोर और लेस किसी को भी दी जा सकती है? यहाँ पे यूके में जैसा आपने कहा कि सबसे पहले फाइजर को अप्रूवल मिल गई थी, वो लास्ट एंड ऑफ दिसंबर की में मिडल ऑफ दिसंबर में मिली थी, और तब तक सिर्फ वही थी वैक्सीन अवेलेबल। तो उसका रोल आउट शुरू कर दिया गया, और उसकी लिमिटेड डोजेस थी, अराउंड 500,000 डोजेस का शुरू हुआ था तब। लेकिन उसके बाद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी रोल आउट हो गई है, जैसा हम सब जानते हैं अब तो, कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है एक तो वो वैसे भी यूके की है, और प्लस लॉजिस्टिकली वो इजी है उसको डील करना, तो अब उसका रोल आउट भी शुरू हो गया। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है वो उसकी डोजेज नहीं है अब यूके के पास, तो यूके की जो नेक्स्ट लॉट आएगा फाइजर वैक्सीन का वो अब जाकर मार्च में आएगा। तो अब
हमारे पास ऐसी ऑप्शन ही नहीं है कि हम जो दूसरी डोज है वो मतलब जो आगे जो वैक्सीनेशन है वो फाइजर के साथ कंटिन्यू कर सकें। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो वैक्सीन के बेस पर बिल्कुल नहीं है कि भाई कौन सी वैक्सीन दी जाए, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी एक्सेप्टेबल है दोनों की, ऑक्सफोर्ड की भी अच्छी है और खैर फाइजर और मॉडर्ना की तो है ही बहुत अच्छी। तो उसके चलते कोई भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं करना पड़ रहा कि कौन सी किसको दी जाए। जो अवेलेबल है तो जो गाइडलाइंस हैं और जो रिकमेंडेशन भी वही है कि जो आपको ऑफर की जा रही है और जो भी अप्रूवल मिलने के बाद, एफिकेसी मिलने के बाद जो भी आपको ऑफर की जा रही है वो दी जा रही है, तो उसमें कोई डिमार्केशन नहीं है। और डॉक्टर जैसा आपने कहा, सॉरी, जैसा आपने कहा कि ऑक्सफोर्ड की जो उसका वैक्सीन है उसका रोल आउट अभी इसी महीने, हाँ इसी इसी हफ्ते के शुरू में, तो मंडे से वो शुरू हुआ हुआ है, तो होपफुली उससे जो नंबर्स हैं वैक्सीनेशन के वो ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी मीडिया रिपोर्ट जो यूके की हम पढ़ रहे थे पिछले 10-15 दिनों में, तो ये भी सुनने में आया है कि जो फाइजर की वैक्सीन है ये पहले डिसाइड किया गया था, या जो कंपनी का जो प्रोटोकॉल था उसमें ये था कि 21 दिन में दूसरी डोज देंगे, लेकिन शायद बाद में सरकार ने फैसला किया कि जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं तो शायद सबको वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है उसको 12 हफ्ते। तो ये जो अभी अभी आप जो मार्च वाली बात कर रहे हैं तो उसको भी लेके थोड़ा हम समझना चाहेंगे। तो क्या अभी तक लोगों को सिर्फ फर्स्ट डोज ही लगी है, सेकेंड वाली मार्च में लगेगी, एग्जैक्टली क्या है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसा हम कहें, क्योंकि डायनेमिक सिचुएशन है पैंडेमिक की और इतनी जल्दी चेंज हो रही है, तो गवर्नमेंट ने भी इस हिसाब से डिसीजन चेंज किए हैं। अगर हम साइंटिफिक एंगल से देखें तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो फर्स्ट डोज है वो 3 या 4 हफ्ते के बाद उसकी एफिकेसी जो है वो बनी रहती है, या कितनी रहती है हमें नहीं मालूम, बट एक्सपेक्टेड है कि वो जो प्रोटेक्शन है वो किसी लेवल का तो रहेगा। तो दूसरी साइड, क्योंकि नया स्ट्रेन है वो इतना फैल रहा है, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम एटलीस्ट एक डोज देकर ज़्यादा लोगों को थोड़ी सेफ्टी तो प्रोवाइड कर सकें ताकि जो डेथ है वो कम हो सके, ये उनका थॉट प्रोसेस है। तो इट इज़ मोर ऑफ जैसे बैलेंस करना पड़ रहा है कि उनको साइंटिफिक डेटा के साथ और जो अभी करंट सिचुएशन है, क्योंकि इमरजेंसी वाली सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये जो सेकेंड पीक है वो फर्स्ट पीक से भी बदतर है। फर्स्ट पीक में भी हमारा इतना यहाँ पे बुरा हाल नहीं हुआ था जितना ये सेकेंड पीक में हो रहा है, तो उसके चलते ये जो डिसीजन है इनको चेंज करना पड़ा। हालांकि जो फाइजर के जो जो कंपनी है उनके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो क्लियरली हम आपको बता सकें कि 20 दिन के बाद कितनी प्रोटेक्शन वो ऑफर कर सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं या जो साइंटिफिक बॉडी है उनका जो एक एक तरह का हम कहें कि एक्सपर्ट गेस है, कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्रोटेक्शन है वो चलेगी। तो उसका जैसा आपने कहा कि उसका मेन कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट वन डोज वैक्सीन की देकर उनको प्रोटेक्ट, कुछ तो प्रोटेक्शन दी जाए, चाहे वो प्रोटेक्शन हम महीने के लिए रहे या 2 महीने के लिए रहे। हालांकि अनऑफिशियली तो मेरे हिसाब से भी थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए, उसकी एफिकेसी कम हो सकती है लेकिन प्रोटेक्शन तो रहनी चाहिए। तो उससे ज़्यादा फायदा है बजाय इसके कि हम कम लोगों को डबल डोज देकर प्रोटेक्ट कर पाए। डॉक्टर साहब, जो सेकेंड डोज मिलेगी, मतलब ऐसा मेरे सोचने में ऐसा लग रहा है कि शायद वो उसी की होनी चाहिए, यानी जिसको फाइजर की फर्स्ट डोज मिली है उसको ही फाइजर की मिलनी चाहिए, जिसको ऑक्सफोर्ड की मिली है उसको बाद में। तो क्या ये, मतलब अब सरकार का डिसीजन क्या, क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी कि सरकार का कहना है कि नहीं इमरजेंसी हो तो शायद दूसरे की भी दी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा मुझे साइंटिफिकली नहीं समझ में आ रहा जी है, नहीं, क्योंकि दोनों वैक्सीन का जो कंपोजिशन है इट इज एंटायरली डिफरेंट। यस यस नो, आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा जी। दोनों की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और द वे दे वर्क देयर दैट इज डिफरेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास कोई ऐसी स्टडी का एविडेंस नहीं है कि हम मिक्स कर सकते हैं। ये स्टडी शुरू कर ली गई है, दे वॉन्ट टू लुक एट इट कि कैसे हम वैक्सीन की अलग, क्योंकि वैक्सीन अभी तो तीन तीन ही हैं और पांच अगर हम रशिया और चाइना वाली भी मिला लें, लेकिन और एक 20 के करीब वैक्सीन शायद आ सकती हैं अगले साल। तो ये स्टडीज ऑन गोइंग है कि अगर हम मिक्स एंड मैच करें तो उसका क्या असर होगा, लेकिन आपने सही कहा, अभी हमारे पास इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट का जो अप्रोच वो यही है कि सेकेंड डोज हम सेम वैक्सीन की देंगे, तो सेकेंड डोज दूसरी वैक्सीन की देने की बात अभी नहीं हो रही है। हाँ ये है कि जो सेकेंड डोज है वो डिले कर दी गई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फाइजर की जो नेक्स्ट लॉट ऑफ डोजेज थी वो अभी हमारे पास आनी ही मार्च में, तो उससे पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो तब तक होपफुली जिनको फर्स्ट डोज दी जा चुकी है उनके लिए वो सेकेंड डोज अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि पहले जिनको पहली डोज दी थी उनके लिए सेकेंड डोज रिजर्व रख ली गई थी उसी वैक्सीन के लॉट में से, लेकिन अब वो दूसरों को दी जा रही है। लेकिन अगेन
अभी तक कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स हर पर हर जगह की अपने तरीके से पॉलिटिकल डिसीजंस ले रही हैं. वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यूके में भी अगर वो ऐसा डिसाइड कर लेते हैं तो उनकी, जैसा हम कहें कि तो गवर्नमेंट का डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन. साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो भी हैं वो तो साइंटिफिक एविडेंस पेश कर सकते हैं जो कि कर रहे हैं, बट अदरवाइज यू नो दे हैव टू डिसाइड. जो डॉक्टर साहब, जब फाइजर की वैक्सीन आई थी तो जिसके स्टोरेज के लेकर बात की थी, हम एक बार पहले भी इस पर बातचीत कर चुके हैं, तो -70 डिग्री जो टेम्परेचर है जिस पर इसको स्टोर करते हैं, तो उसको लेके ये बात उठी थी कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं जिनके पास इस तरह के लॉजिस्टिक्स नहीं है तो वो कैसे करेंगे. लेकिन अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि शायद लॉजिस्टिक इशू की वजह से ऑक्सफोर्ड वाली ज्यादा प्रिफर होगी शायद यूके में, या इंडिजिनस है ये भी हम, तो क्या वहां पर भी -70 स्टोरेज कोने कोने तक नहीं अवेलेबल है क्या? नहीं देखिए, -70 एंड यूजर मतलब लास्ट तक पहुँचने तो काफ़ी मुश्किल है, चैलेंजिंग तो वो बिल्कुल है, यहाँ के लिए भी है, कहीं के लिए भी है, क्योंकि -70 -80 के जो रेफ्रिजरेटर्स या वो होते हैं वो सिर्फ रिसर्च फैसिलिटीज़ में या बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं. तो उसके साथ एक और एडिड है कि अगर आप हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन रख रहे हैं तो वैक्सीनेशन ड्राइव सारी हॉस्पिटल्स में होने वाली है, विच इज़ अ ह्यूज बर्डन हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो वैसे ही ओवर बर्डन है टर्शरी केयर के लिए, सेकेंडरी केयर के लिए, जो पेशेंट्स के लिए. तो जैसे यूके का सिस्टम है वो जीपी बेस्ड है, तो कम्युनिटी में डॉक्टर जो है वो या फार्मासिस्ट भी देते हैं वैक्सीन. तो जो ऑक्सफोर्ड वाली है वो फ्रिज में डालकर वहाँ पे आसानी से रखी जा सकती है. जस्ट टू रिमाइंड कि जो फाइजर वाली है वो भी एक्चुअली 4 डिग्री पर रखी जा सकती है 3-4 दिन के लिए. तो लॉजिस्टिकली वो पॉसिबल है, लेकिन इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स वो फिर भी यूके के लिए भी वो डिफिकल्टी था. तो इसीलिए जो शुरू में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चली है यूके में वो ज़्यादा हॉस्पिटल बेस्ड चली है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि जो बड़े वाले हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत दूर दूर भी हैं बहुत लोगों के लिए. अगर हम 80+ पॉपुलेशन की बात करें तो जो अभी ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है वो लॉजिस्टिकली डेफिनेटली यूजफुल होगी, और वो किसी भी देश के लिए यूजफुल होगी. उसमें हम सिर्फ यही नहीं कि इंडिया के लिए यूजफुल होगी जिसमें रिसोर्सेज की कमी है, वो किसी भी देश के लिए जितना मर्जी वो डेवलप हो उसमें दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल. डॉक्टर साहब, ये जो नए स्ट्रेन आए हैं इसको लेके भी सवाल उठ रहा है कि जो वैक्सीन ऑलरेडी जो अप्रूव्ड हुई है वो नए स्ट्रेन जो आ रहे हैं यूके का है या साउथ अफ्रीका का है, इन दोनों के केस में प्रोटेक्शन देंगी या नहीं, इसको लेके काफी सारी डिबेट चल रही है. अभी अभी आज ही मैंने देखा राइटर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि फाइजर ने एक स्टडी की है, नॉन पीयर रिव्यूड है, उसमें उनका कहना है कि कोई एक म्यूटेशन वो हैंडल कर सकती है वैक्सीन, जस्ट वन म्यूटेशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल लॉट. जो 20 और 21 के आसपास जो म्यूटेशन हुए हैं यूके वाले में और साउथ अफ्रीका में भी शायद 19 के आसपास, क्या लग रहा है? और ये सवाल तो यूके में ज्यादा उठ रहे होंगे क्योंकि एक तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, दूसरे आपके यहाँ दो दो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो लोगों के मन में, पॉलिसी मेकर्स के मन में थोड़ी दुविधा होगी कि भाई कितना इफेक्टिव इवेंचुअली होगा, काफी करोड़ों पाउंड का खर्चा है उसमें. नहीं बिल्कुल, ये कंसर्न बिल्कुल बना हुआ है कि ये वैक्सीन अब कितनी इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर हम जो एक्सपर्ट वायरोलॉजिस्ट हैं या वैक्सीन वाले हैं उनकी बात सुने तो वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है इस बारे में. वो कह रहे हैं कि जो, क्योंकि ये जो वैक्सीन हैं इनका जो टारगेट है वो मल्टीपल एपिटोप्स होते हैं वायरस के जो प्रोटीन के अराउंड, तो अगर कुछ पार्ट में म्यूटेशन आती हैं तो दे एक्सपेक्ट के दूसरे पार्ट को लेकर जो एंटीबॉडीज होंगी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. अब इसमें देखना ये भी होगा कि इससे एफिकेसी पे कितना असर होता है, क्योंकि अगर इससे, वो तो मैं भी पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद एफिकेसी ऊपर नीचे हो सकती है अगर म्यूटेशन आती हैं. अब म्यूटेशन किस डिग्री के हैं दैट इज अनदर स्टोरी. जो नया स्ट्रेन है उसके बारे में उतना बड़ा भी संशय नहीं है कि वो शायद बिल्कुल एक्ट ना करें वैक्सीन, तो मैं एक्सपेक्ट तो करूँगा कि वो एक्ट करेंगी, लेकिन अगेन उसकी एफिकेसी कितनी आएगी वो देखने वाली बात होगी. स्टडीज इसके लिए भी ऑन गोइंग है, चल रही हैं, लेकिन ये स्टडी जो है ये ज़्यादा लैब में पहले होती हैं और उसमें कम 3-4 हफ्ते तक मिनिमम लग ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो. तो लेकिन जो फाइजर की पहली स्टेटमेंट आई थी उन्होंने कहा था कि वी एक्सपेक्ट के ये काम ठीक करनी चाहिए, लेकिन अगेन जब तक साइंटिफिक डाटा नहीं आता तो कहना मुश्किल है. लेकिन एज ए सेड के जो कंसर्न है वो थोड़ा है, लेकिन मुझे इतनी फिक्र नहीं है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एफिकेसी कम हो सकती है. डॉक्टर साहब, लॉकडाउन की अगर हम बात करें यूके में, आप इस वक्त लॉकडाउन के दौरान बैठे हुए हैं, कितने रेस्ट्रिक्शंस हैं और
क्योंकि कुछ फ्लाइट्स इंडिया ने भी बंद की थी लेकिन बाद में ओपन कर दी है, तो और वैसे क्या इन जनरल क्या हालात है, लॉकडाउन है या सिर्फ नाम का है? नहीं, यहाँ का अभी जो लॉकडाउन है, जो पहले अप्रैल, हाँ अप्रैल मई में जो चला था, सेम लॉकडाउन अभी हो गया है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल। तो इसमें आपको किसी दूसरे परिवार के साथ आप नहीं मिल सकते, इंडोर नहीं जा सकते। जैसे अगर हम, मैं अभी छुट्टी छुट्टी ली हुई है तो कहीं नहीं गए, घर पे थे, फैमिली फ्रेंड्स किसी से नहीं मिल सकते। जो जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, जैसे सुपर मार्केट वगैरह है, वो सब हमेशा से खुली रहती थी, अभी भी खुली हैं। दुकानें वगैरह वो सब बंद हैं, रेस्टोरेंट वो सब बंद हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों के स्कूल तो इनफैक्ट फेब्रवरी के मिडल तक का बंद कर दिए गए हैं। तो जो जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी डिफरेंट इस तरह से रही हैं, पहले कभी यहाँ से फ्लाइट कैंसिल करती नहीं थी, हालांकि बहुत साइंटिफिक बॉडीज ने बहुत कहा था कि हम आइलैंड हैं, वी कैन शट आवर सेल्फ डाउन और हम सब कुछ बंद करके रोक सकते हैं, लेकिन तब गवर्नमेंट ने नहीं की। और अब बाकी दुनिया ने यूके से फ्लाइट बंद कर दी है, तो ये सिचुएशन आ गई है। लेकिन अभी भी इनकमिंग फ्लाइट जो यूके को हैं, वो दे आर स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी भी बंद नहीं की गई है। यूनिक ये है, दिस इज अगेन अ पोलिटिकल डिसीजन। अगर आप मुझसे पूछें तो ये काम मार्च में कर देना चाहिए था, एक दो महीने के लिए, वी वुड हैव बीन मच सेफर। अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ देखें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, तो द रिजल्ट हमारे सामने है उस चीज़ के। यहाँ पे एक और लिमिटेशन थोड़ी लॉकडाउन की ये रही है कि जो बाहर से आते हैं उनका उस लेवल की टेस्टिंग और क्वारंटीन भी नहीं किया जाता है। समर में जब लॉकडाउन के बाद हमने वायरस काफ़ी नीचे कर ली थी, उसके बाद इकोनॉमी को जिस तरह से खोला गया, लोगों को प्रमोट किया गया कि आप रेस्टोरेंट जाके खाइए, उसको सब्सिडाइज किया गया, हॉलीडेज को सब्सिडाइज किया गया, तो उसका नतीजा आज हम देख ही रहे हैं कि फिर से स्ट्रेन जो है वो नए स्ट्रेन उभर के आ गए हैं। क्योंकि वायरस जितनी ज़्यादा ट्रांसमिट होती है, उतना उसमें म्यूटेशन होने का रिस्क है बढ़ जाता है। तो इससे बचने का, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जितना हम रिस्ट्रिक्शन कर सकें। यहाँ पे स्कॉटलैंड में जो लोग हैं वो अभी भी सड़कों पे आपको खूब मिल जाएंगे। मास्क की जो यूटिलाइजेशन है वो बुरी नहीं है, वो अच्छी है। अगर हम दुकानों में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, आपको कई बार एंट्री भी अलाउड नहीं है अगर आपकी फेस कवर नहीं है, तो वो लोगों ने अपने, जो हम कहें कि इंक्लूड कर लिया है अपने अंदर, लेकिन लोगों के काम धाम और जो एंटी लॉकडाउन सेंटिमेंट है वो भी चल रहा है। बट अभी आई वुडंट से कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लॉकडाउन है। कोई प्रोजेक्शन है क्या कि कब तक सबसाइड होगा? ये अभी मैं देख रहा था कि बड़ा कंसर्न है कि जो लॉकडाउन मेजर्स हैं वो, ये जो नया स्प्रेड हुआ है उससे अभी असरदार हैं कि नहीं है, ये भी अभी श्योर नहीं है। अगले 2 से 3 हफ्ते में हमें मालूम चलेगा कि केसेस नीचे जाना शुरू हुए कि नहीं। अभी तो ऊपर, अभी भी ऊपर जा रहे हैं, हालांकि हफ्ता तो हो गया है लॉकडाउन को, बट द केसेस आर स्टिल राइजिंग। तो अगर वो 3 हफ्ते में भी कम होना शुरू होते हैं, अगेन हम अगले 2-3 महीने तो देख ही रहे हैं, क्योंकि लुकिंग डाउन के 2-3 महीने बाद जो कंडीशन होगी वो थोड़ी ठीक होनी शुरू होगी। द ओनली एडवांटेज दिस टाइम, अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें, वो ये है कि हमारे पास वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको पुश करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। एज आई सेड, पहले इन्होंने जीपीज को इंक्लूड नहीं किया था, अब खबर आ रही है कि बड़े लेवल पर जीपीज को भी इंक्लूड करके वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जा रहा है। और ये भी बात आ रही थी कि बड़े बड़े जैसे फुटबॉल ग्राउंड हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को ले जाकर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो की जाए। तो बड़े लेवल, और ये भी बात है कि 24/7 आप वैक्सीनेशन कीजिए, वो भी अभी नहीं हो रहा है। तो वो अगर एफर्ट्स को ज़्यादा तेज किया जाए तो दैट कैन हेल्प के कंट्रोल आएगा। लेकिन अभी जैसा देखने को मिल रहा है तो अगले 2-3 महीने, 2 महीने तो कम से कम काफ़ी ट्रिकी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वत्सा, थैंक यू। थैंक यू।